नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो है क्या ना, ये जो पहली है, किस बात की पहली कि सर रेलवे सीवीटी 2 पहले ट्राएगा एनटीपीसी का कि ग्रुप डी पहले ट्राएगा, ये अभी सुलझी नहीं है। ये पहली पिछले 1.5-2 महीने से चलती चली आ रही है और इस पहली पर बहुत सारे लोगों ने अपने कह सकते हो कि फर्जी के वीडियो भी बनाए और फर्जी की नोटिस भी जारी की। मैं बताता हूँ है क्या, इसी बात की हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीटी 2 और ग्रुप डी में से कौन सा एग्जाम पहले हो सकता है, किस महीने से ये दोनों एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, साथ साथ मुझे अपना कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप कितना परसेंट सहमत है इस बात से। ठीक है, तो आज से 1.5 महीने पहले की बात है, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने, यहां तक कि न्यूज़पेपर वालों ने निकाला हो या ना निकाला हो, बहुत सारे लोगों ने फर्जी नोटिस बनाकर उसे न्यूज़पेपर पर दिखा के बताया आपको। ये डेट क्या थी, ये डेट थी 15 अक्टूबर। आपको पता है कि बहुत 1.5 महीने पहले से चर्चा उठ रही है कि सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 15 अक्टूबर को आएगा। आज दोस्त देखिए 16 अक्टूबर हो चुकी है, कल 15 अक्टूबर बीत चुकी और अभी तक देखिए रेलवे की तरफ से किसी भी तरह की कोई नोटिस नहीं आई कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब है क्या ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने भी नहीं डाला 15 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड डेट है, नहीं आया रिजल्ट। बहुत सारे यूट्यूबर ने भी बताया कि रिजल्ट एनटीपीसी का 15 अक्टूबर को आएगा, तब भी नहीं आया। बात को समझिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या सोचे कि रिजल्ट पहले आएगा या फिर ग्रुप डी पहले होगा। देखो है क्या ना, आप सब लोग अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत लगाया कीजिए, किसी के यूट्यूबर के कहने से, किसी न्यूज़पेपर के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, आपको जैसा भी पता है कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 था, सीबीटी 1 की इन्होंने आंसर की आपको दे रखी है, ऑब्जेक्शन भी रेज करा लिए, लेकिन अगर याद हो तो अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। सबसे बड़ी बात, अभी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। अगर रिवाइज आंसर की नहीं आई है तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करना पूरी तरीके से बेवकूफी होगी। आप किसी भी एग्जाम को ले लो, अभी पीटी का एग्जाम हुआ था, अगर आपने देखा हो तो पीटी के एग्जाम की पहले आंसर की आई फिर रिवाइज आंसर की आई, उसी तरह से रेलवे भी करता है। सबसे पहले आपको आंसर की देगा, उसके बाद रिवाइज आंसर की देगा, फिर स्कोर कार्ड देगा कि भैया आपका इतना इतना स्कोर कार्ड आया है, और स्कोर कार्ड देने के बाद आपको रिजल्ट देगा कि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हो, अब आप सीबीटी 2 के लिए एप्लीकेबल हो। इसके बाद कहीं ना कहीं जाके सीबीटी 2 की कह सकते हो एग्जाम डेट आएगी। अब आप सब लोग अगर ये सोचो कि रिवाइज्ड आंसर की आने से पहले ही आपके सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ जाए या फिर सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। देखिए, बच्चों के मन में अभी भी बहुत बड़ा डाउट ये है कि सर ये बताओ सीबीटी 2 पहले होगा कि ये ग्रुप डी पहले होगा। मैं आपको बता दूं, इस डाउट का मैं एक सीधा सा समाधान आपको बताता हूं, ये समाधान से आप लोग बताइएगा कितने परसेंट सहमत है। समाधान ये है कि मुझे सब लोग एक बात बस बता दो, ये जो सीबीटी 2 होना है और जो ग्रुप डी होना है, क्या इन दोनों पेपरों में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा अंतर है क्या? क्या दोनों पेपरों में ऐसा है क्या, एक में इंग्लिश आनी है दूसरे में इंग्लिश नहीं आनी, एक में हिंदी आनी है दूसरे में हिंदी नहीं आनी, ऐसा है क्या? तो मैं आपको बता दूं, चाहे सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ साइंस का फर्क है, इसके अलावा किसी चीज का नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होना उसमें 25 क्वेश्चन साइंस के आने, बाकी जीटे जीएस आपके ग्रुप डी में भी आनी है, सीबीटी 2 में भी आनी है, मैथ आपके ग्रुप डी में सीबीटी 2 दोनों में आनी है, रीजनिंग भी दोनों में आनी है, और दोनों का जो स्टैंडर्ड रहेगा, लेवल रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला, इस बात को पहले समझ लो। तो आप लोग क्या है फर्जी का ये फैलाए हो कि सीबीटी ग्रुप डी सीबीटी ग्रुप डी? अरे इनमें से जो भी एग्जाम पहले होगा आपकी तैयारी बस रहनी चाहिए, इसलिए आप इस बात को अभी माइंड से हटा दो कि हमें इस चीज की तैयारी कर रहा है या इस चीज की। जो लोग कॉमन ऑडियंस है, कॉमन स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने सीबीटी 2 भी भरा है और जिन्होंने ग्रुप डी भी भरा है, जिनको ये कंफ्यूजन है कि सीबीटी 2 की ग्रुप डी। तो आपको बता दिया जाए, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, चुपचाप आपको क्या करना चाहिए, मैथ रीजनिंग जीटे जीएस पढ़ना ही चाहिए और साइंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं सीबीटी 2 में ऐसा तो है नहीं कि 2-4 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो साइंस आप ग्रुप डी और कहीं ना कहीं सीबीटी 2 दोनों के लिए पढ़िए। तो आपको ये दोनों के दोनों सिलेबस को साथ साथ कवर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और किसी के बहकावे में नहीं आना कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, 20 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं सीक्वेंस क्या है, सीरियल क्या है। अगर एनटीपीसी ने आपका
आंसर टी दे दी है, ऑब्जेक्शन रेज करा लिए हैं, तो उसके बाद सबसे पहले रिवाइज आंसर टी आएगी। रिजल्ट नहीं आएगा पहले, पहले सुन लेना, पहले आएगा रिवाइज आंसर टी, और रिवाइज आंसर टी के आने के बाद आप लोगों को तुरंत जो है एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा कि भैया देखो आपका स्कोर कार्ड इतना है, फिर आपका रिजल्ट आएगा कि हाँ इस स्कोर कार्ड के बावजूद आप मेरे लिस्ट में हो कि नहीं हो। हो सकता है कि आपका स्कोर कार्ड कम हो लेकिन आप मेरे लिस्ट में आते हो कि नहीं आते, ये सब बातें आपको बाद में पता चलेगी, है ना। तो रिवाइज आंसर टी आने के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड आने के बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ जाने के बाद आपका ये कंफर्मेशन नहीं होता कि मान लीजिए नवंबर में आपका रिजल्ट आ गया तो आप ये सोचो दिसंबर में पेपर हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। और ये भी कंफर्मेशन नहीं है, पहले इस बात को, ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसको भी सुनिएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका सीबीटी वन का रिजल्ट आ गया तो आप ये सोचो कि रिजल्ट आ गया सीबीटी वन का तो क्या जरूरी है कि एनटीपीसी का जो सीबीटी टू हो वो पहले हो जाए, है ना। हालांकि अगर याद हो तो बहुत पहले रेलवे ने अनाउंस किया था कि एनटीपीसी के सीबीटी वन के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा, क्लियर है। अभी तक रेलवे ने किसी तरह की ऐसी नोटिस नहीं जारी की कि जिसमें वो बताए कि सीबीटी टू पहले होगा। बहुत सारे फेक नोटिस, बहुत सारे फेक कह सकते हो ईमेल वायरल होते हैं, बहुत सारे कह सकते हो अपनी तरफ से बनाकर फेक ईमेल वायरल कर दिए जाते ताकि लोगों को रहे कि भैया ये पहले, ऐसा कुछ नहीं। जब तक नोटिस नहीं आ जाता तब तक जो है आप किसी चीज को नहीं कह सकते, है ना। तो मेरे भाई हाँ मैं भी ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं पहले होगा, मैं ये कह रहा हूं ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ चीज हो सकती है, लेकिन जब तक रेलवे नहीं कन्फर्म करेगा तब तक आप अपनी तरफ से सोचिए नहीं, इनके फालतू के पचड़े में मत पड़िए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा सिलेबस और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सिलेबस दोनों को कवर करते जाइए, दोनों का सिलेबस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो आगे से ऐसी कोई भी डेट आती है, हो सकता है 15 अक्टूबर बीत चुका आगे आपको 15 नवंबर बता दिया जाए, बहुत सारे लोग कह देंगे 15 नवंबर को आने वाला है सीबीटी टू का रिजल्ट, तैयार हो जाता है चाहे के मारे। आपको पढ़ाई तो इसके सिलेबस के अनुसार करनी है ना, बस पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से पीछे मत हटिए, क्योंकि है क्या ना कि जब एग्जाम डेट आ गई तो आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए देखिए है क्या, रेलवे पाठशाला की तरफ से ये पूरी की पूरी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, और वो भी उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। ये फ्री क्लास पूरी तरीके से ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी और उसके साथ साथ सीबीटी टू, मतलब इन तीन एग्जामों को, इन दोनों एग्जामों को कवर करेगी। तो आप सब लोग डेली दोपहर 2 बजे रीजनिंग अनुभव धनकर सर और शाम के 4 बजे मैथ, और उसके साथ साथ ध्यान रखना शाम के 7 बजे जीटे जीएस। ये जो जीटे जीएस है मैं आपको बता दूं, ये जो जीटे जीएस का पैटर्न है जीटे जीएस प्लस साइंस, इसमें मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट करते हैं और टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जीटे जीएस के, यहां 2, 4, 10, 5 नहीं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, वो भी डेली 50 क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, जिसमें आपको जीटे जीएस मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर के साथ साथ साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये पूरी क्लासे यूट्यूब पर फ्री चल रही है रेलवे पाठशाला में, आप लोग ये क्लास एक बार जरूर अटेंड कीजिए, इसे देखिएगा आपकी जो रेलवे की तैयारी है ना उसमें एक बूस्टअप मिलेगा, क्लियर है ना। तो आप लोग अपने माइंड से पहले तो ये हटा दो 15 अक्टूबर 15 नवंबर कुछ नहीं, जब एग्जाम डेट आएगी आप एग्जाम देना चुपचाप, सिलेक्शन पाना, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि भैया मेरे जब एग्जाम आ जाएगी तो आप इतने अवेयर हो चुके होंगे, आप ये मत सोचना कि आपको एग्जाम डेट पता नहीं चलेगी, एग्जाम डेट आते आते 2 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को बस इसी तरह से कीजिए, रीजनिंग मैथ और जीके जीएस पढ़ते रहिए, ये दोनों एग्जाम को कवर कर लेगी, चाहे वो फिर सीबीटी टू हो या फिर हमारा एनटीपीसी हो, क्लियर है ना। तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ साथ वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादातर लोगों के पास इस तरीके की कंफ्यूजन है तो वो अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सके, ठीक है। थैंक यू।